hello students hope you all are good today we are going to start our grammar book okay and the name of our book is ace english grammar and composition for schools okay by orient black swan here our first chapter is naming words okay so today we are going to understand what is naming words naming words नाउ रीड दि सेंटेंसेस हमें क्या करना है नीचे कुछ गिवन सेंटेंसेस है उन्हें रीड करने हैं ओके फर्स्ट सेंटेंस इज अ पिक्चर फर्स्ट वी हैव टू लुक एट दिक्चर एक पिक्चर है उसे सेंटेंस इज आई गो टू स्कूल बाय बस ओके सेकेंड दिस इज माई फेवरेट बुक आई है पोस्टमैन आई हैव अ लेटर फॉर यू आई एम अट मैं आऊ द वर्ड्स स्कूल बस बुक पोस्टमैन लेटर एंड द कैट आर नेमिंग वर्ड्स आ नेमिंग वर्ड इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस एनिमल फ्रूट वेजिटेबल और थिंग हियर आर सम मोर नेमिंग वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल गर्ल हाउस बेयर टोमेटो एंड चेयर ओके हमने क्या पढ़ा अभी यहाँ पे हमने फर्स्ट सेंटेंस को रीड किया कि नेमिंग वर्ड्स क्या है ओके okay? हमने फर्स्ट सेंटेंस में क्या देखा कि टू वर्ड्स आर गिवन स्कूल एंड बस यहाँ पे दो जो बोल्ड लेटर्स में वर्ड वर्ड्स में जो वर्ड है वो क्या है नेमिंग वर्ड है लेकिन हमें कैसे पता चलेगा वो नेमिंग वर्ड है तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि नेमिंग वर्ड्स क्या है किसी भी पर्सन यानी कि जो लोग हमारे पास होते हैं उनका उन लोगों का जो नाम होता है उसे हम नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं जो हमारे आसपास की जगह है वो नेमिंग वर्ड्स है जो हमारे एनिमल्स हैं बर्ड्स हैं वो भी नेमिंग वर्ड्स है जो हम फ्रूट और वेजिटेबल्स खाते है वो भी नेमिंग वर्ड्स है और जो हमारे आसपास छोटी मोटी चीजें होती है वो सभी क्या है नेमिंग वर्ड्स है ओके दैट मीन्स एवरीथिंग अराउंड अस हैव अ नेम एंड वी कॉल्ड इट नेमिंग वर्ड्स यानी कि जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं चाहे वो खाने में हो पहनने में हो लोग हो जानवर हो ओके जगह हो वो सब क्या कहलाती है नेमिंग वर्ड्स कहलाती है नाउ क्वेश्चन ए नेम्स ऑफ पीपल अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे नेम्स ऑफ पीपल्स के बारे में पढ़ेंगे यानि कि जो हमारे आसपास लोग होते हैं वो कौन कौन होते हैं सो हियर हु आर दिस पीपल राइट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बुक्स ओके यहाँ हमें कुछ पिक्चर्स गिवन है और हमें क्या करना है ऊपर जो ब्रैकेट में हमें क्या दिए हैं वर्ड्स दिए है उन्हें पिक्चर में आइडेंटिफाई करनी है पिक्चर को और उसमें फिल करना है फर्स्ट पिक्चर इज फर्स्ट वी हैव टू रीड द वर्ड्स इन ए ब्रैकेट ओके द फर्स्ट वर्ड इज पोटर टीचर फार्मर ड्राइवर पुलिसमैन डॉक्टर शॉपकीपर और आर्टिस्ट ओके फर्स्ट पिक्चर का है का गिवन है पॉटर ओके फर्स्ट पिक्चर में हमें कौन नजर आ रहा है अ मैन हु इज मेकिंग अ पॉट है ना एक अंकल नजर आ रहे हैं आदमी नजर आ रहा है जो क्या कर रहा है पॉट बना रहा है उन्हें हम क्या कहते हैं कुम्हार और इन इंग्लिश वी कॉल्ड इट पॉटर सेकंड है पुलिसमैन एंड द थर्ड पिक्चर इज अ फार्मर नंबर 4 इज अ टीचर ओके सो हमने क्या देखा इनमें कि कौन लोग हैं जो हमारे आसपास होते हैं और ये सब क्या कहलाते हैं नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं हियर आर सम मोर एग्जाम्पल है हाँ भाई हम कुछ और एग्जाम्पल भी देखेंगे नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर विच पिक्चर इट इज अ वुमन इज सेलिंग समथिंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक वुमन यानी एक औरत कुछ बेच रही है उसे हम क्या बोलते हैं यानी कि जो दुकान पे बैठता है या दुकान की सामान बेचता है वो कहलाता है शॉपकीपर नेक्स्ट ए अ पर्सन इज ड्राइविंग अ कार एक अंकल क्या कर रहे है ड्राइव कर रहे है कार है ना सो वी कॉल्ड इट ड्राइवर नेक्स्ट डॉक्टर नेक्स्ट आर्टिस्ट ओके हमने कि, कितने पर्सन के बारे में पढ़ा पॉटर टीचर फार्मर ड्राइवर पुलिसमैन डॉक्टर शॉपकीपर और आर्टिस्ट हमने पीपल के बारे में पढ़ा जो हमारे आसपास लोग हैं उनके बारे में पढ़ा उनका नेम होता है और उन्हें हम नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं कैसे जैसे हमारे आस कौन था पुलिस वाले अंकल तो वो क्या हुए नेमिंग वर्ड्स हो गए हमारी टीचर हमें पढ़ाती है वो है नेमिंग वर्ड्स हमारी मदर नेमिंग वर्ड्स हमारे फादर भी नेमिंग वर्ड तो दे ऑल हैव अम एंड वी कॉल्ड इन नेमिंग वर्ड्स नेक्स्ट ए नेम्स ऑफ थिंग्स अब हमने देखा होगा कि हमारे आस पास बहुत सारी चीजें होती है ना अभी आप मोबाइल देख रहे होंगे तो मोबाइल इज ऑल्सो अ थिंग वो चीज है इसलिए वो नेमिंग वर्ड है पेंसिल से लिख रहे हैं पेंसिल इज अ नेमिंग वर्ड ओके बुक में देख रहे है बुक रीड कर रहे हैं बुक इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड तो जो भी हमारे आस पास की चीजें होती है वो भी क्या कहलाती है नेमिंग वर्ड्स कहलाती है नाउ कैन यू नेम दिस थिंग्स हमें क्या करना है अगेन अगमे कुछ पिक्चर गिवन है और हमसे क्या पूछा है कि आप इनके नेम बता सकते हैं क्या तो यस हम बता सकते हैं राइट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स हमें क्या करना है जो हमें ब्रैकेट में बॉक्स में जो वर्ड्स है उनके हेल्प से पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है तो फर्स्ट वी हैव टू रीड ऑल द वर्ड्स हम क्या करेंगे पहले वर्ड्स को रीड करेंगे फर्स्ट वर्ड इज कार सेकेंड ब्रश

शेप ओके तो हमने क्या पढ़ी हमारे जो आसपास चीजें होती है वो क्या कहलाती है थिंग्स कहलाती है और हम उन्हें क्या कहते हैं नेमिंग वर्ड्स कहते हैं नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट ड्रम कार बॉल एंड लास्ट वन इज ट्रेन ये सब क्या थी नेम्स ऑफ थिंग्स एंड वी कॉल्ड इट

कि हमें कुछ एनिमल्स और बर्ड्स के नाम दिए हुए पज़ल्ड में है ना वर्ड्स में कि हमें उन्हें क्या करना है कंप्लीट करना है कैसे कंप्लीट करेंगे सो हियर पिक्चर इज आल्सो गिवन है ना हमें एक पिक्चर दी हुई है और उस पिक्चर में क्या हुआ है अबाउ एवरी एनिमल ईच एंड एवरी बर्ड एंड एनिमल है कोड है ना यहाँ पे सबके ऊपर एक कोड लिखा हुआ है यानी कि एक नंबर लिखा हुआ है और वही नंबर से हमें ब्लैंक में आंसर फिल करना है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पिक्चर हमें नहीं पता ये काय की स्पेलिंग बनेगी लेकिन हमें हम पिक्चर में देखना है कि वन नंबर कौन से एनिमल या बर्ड पर है तो वन नंबर है जिराफ पर ओके okay? तो क्या की स्पेलिंग बन जाएगी जिराफ की जी आई आर ए डबल एफ ई जिराफ नंबर टू नंबर टू इज इन ऑन द पिकॉक है ना तो हमने काय की स्पेलिंग बनाई पिकॉक पीई ए c o c k peacock number 3 elephant e l e p h a n t elephant number 4 is on horse okay h o r s e horse and the fifth one picture is about bear okay b e a r bear number 6 woodpecker w w o, -O d p e c k e r woodpecker now move on to the number 7 here the 7 number is given up to on eagle okay so here is eagle e a g l e eagle 8 number is on duck okay d u c k duck इन नंबर जेब्रा Z E B R A, जेब्रा नंबर टेन नंबर टेन इज ऑन लायन और लॉयन तो इट इज व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ़ लायन और लॉयन इट इज लायन L I O N. इट इज नॉट अ लॉयन ओके हम लॉयन नहीं रीड करेंगे इसको क्या रीड करेंगे लायन नंबर इलेवन पेरेट P A डबल आर ओ टी पैरेट एंड लास्ट वन इज आउल ओ डब्ल्यू एल आउल ना लुक एट द क्वेश्चन नंबर डी नेम्स ऑफ प्लेसेस है ना अभी हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन में नेम्स ऑफ पीपल पढ़े हमने देन वी हैव टू मूव ऑन टू नेम्स ऑफ थिंग्स एंड देन नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हमने हमारे आस पास के लोगों के बारे में पढ़ा चीजों के बारे में पढ़ा एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में पढ़ा उनका सबका नाम था और वो सब क्या कहलाते हैं नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं ओके अब हम पढ़ेंगे प्लेसेस ठीक है अब हम कई सारी जगह घूमने जाते हैं, जाते हैं ना वैसे उन्हीं को हम क्या कहते हैं प्लेसेस कहते हैं और वो सब प्लेसेस क्या कहलाती है नेमिंग वर्ड्स कहलाती है फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ सामान लेना होता है तो आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट क्या है नेमिंग वर्ड है आप पढ़ने कहाँ जाते हैं स्कूल जाते हैं तो स्कूल भी क्या है नेमिंग वर्ड है खेलने कहाँ जाते हैं पार्क में जाते हैं तो पार्क भी क्या है नेमिंग वर्ड है ओके सो हियर क्वेश्चन नंबर डी नेम्स ऑफ प्लेसेस हम हम प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे डू यू नो दिस प्लेसेस क्या आप प्लेसेस को जानते हैं जो गीवन है हमें राइट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स हमें क्या करना है अगेन हमें बॉक्स में वर्ड्स गिवन गिवन है और हमें पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है यानी कि पहचानना है और उसमें नीचे ब्लैंक में करेक्ट आंसर फिल करना है फर्स्ट पिक्चर इज अबाउट हमें गिवन है फर्स्ट वन इज डन फॉर अस है ना हमारी बुक में फर्स्ट पिक्चर गिवन है क्या का है गिवन पार्क का सो फर्स्ट पिक्चर इज अबाउट पार्क नाउ फर्स्ट वी हैव टू रीड ऑल द वर्ड्स अब हम क्या करेंगे पहले वर्ड्स रीड करेंगे Policeman, park, hospital, zoo, classroom, library, railway station, and the last one is market. First picture, park, second is zoo, classroom, railway station. Now, hospital, library, market, and the last is police station. Okay, now. क्वेश्चन ई नेम्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना अभी हमने पढ़े नेम्स ऑफ पीपल नेम्स ऑफ थिंग्स नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स नेम्स ऑफ प्लेसेस अब हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम ढेर सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं खाते हैं डू यू नो दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या आप जानते हैं कि उनके भी नाम होते हैं और वो क्या कहलाते हैं नाम है तो क्या कहलाएंगे वो भी वो भी नेमिंग वर्ड ही कहलाएंगे है ना तो राइट वर्ड, करेक्ट वर्ड फ्रॉम बॉक्स हमें क्या करना है बॉक्स में से करेक्ट वर्ड को लिखना है फर्स्ट इज टमेटो, सेकेंड मैंगो ब्रिंजल वाटरमेलन ऑरेंज एंड द लास्ट इज कैरेट ओके नाउ सर्कल द नेमिंग वर्ड्स क्वेश्चन एफ सर्कल द नेमिंग वर्ड्स अब हमें सेंटेंस गिवन है ओके सेंटेंस को हमें क्या करना है पहचानना है क्या पहचानना है उसमें कि क्या नेमिंग वर्ड कौन से हैं मतलब कि या तो सेंटेंस में क्या आना चाहिए फ्रूट नेम आना चाहिए सेंटेंस में क्या होना चाहिए या तो पीपल का नेम होना चाहिए ओके यानी कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं कोई चीज होनी चाहिए यानी कि थिंग्स का नेम होना चाहिए या फिर किसी एनिमल या बर्ड का नेम होना चाहिए कोई प्लेस का नेम होना चाहिए या फ्रूट और वेजिटेबल का नेम होना चाहिए ठीक है तो ना हम क्या देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे द बॉय फ्लाइज अ काइट है ना अब हमें कैसे पता चलेगा कि नेमिंग वर्ड कौन सा है तो हमने अभी अभी, अभी पढ़े जो आसपास की जगह होती फ्रूट्स होते वेजिटेबल्स होते प्लेस पर्सन थिंग वो कोई भी इसमें आ रहा होगा सेंटेंस में तो वो क्या कहलाएगा द कोई प्लेस है क्या नहीं है फ्रूट नहीं है वेजिटेबल भी नहीं है कोई प्लेस का नेम भी नहीं है द एनिमल का नेम भी नहीं है तो द इज नॉट अ नेमिंग वर्ड है ना तो फर्स्ट सेंटेंस में द नेमिंग वर्ड नहीं है बॉय बॉय क्या है एक लड़का है तो लड़का क्या है हमारे आसपास के लोग है ना लड़का पीपल है तो लड़... क्या हो गया बॉय इज अ उड़ाना कोई नेमिंग वर्ड होता है नहीं होता है ना तो वो कोई चीज है थिंग का नेम है किसी चीज का नेम है इसलिए क्या है वो नेमिंग वर्ड तो हम क्या करेंगे काइट को भी सर्कल करेंगे ओके okay? इसी तरह हमें सारे सेंटेंस में सर्कल करना है किसको naming words now read the sentence 2 the man drives a van here the man and a van are naming words number 3 this train moves very fast train is a naming word the gate to the park is closed here the gate and the park is naming word ठीक है गेट कोई चीज होती है ठीक है और पार्क क्या है एक जगह का नाम है मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस देयर आर स्मॉल बर्ड्स इन द नेस्ट बर्ड्स क्या है चिड़िया ओके okay, तो ये हो गया नेमिंग वर्ड्स कहाँ रहती है नेस्ट में रहती है तो नेस्ट भी क्या है जगह का नाम है इसलिए ये हो गया नेमिंग वर्ड्स देयर आर मेनी पीपल एट द बस स्टॉप मेनी पीपल बहुत सारे लोग तो पीपल मीन्स होता है लोग तो पीपल के लिए क्या आया नेमिंग वर्ड ठीक है कहां पर है कौन सी जगह है बस स्टॉप पे तो बस स्टॉप इज ऑल्सो नेमिंग वर्ड्स देयर इज अ कैटल इन द किचन किचन में क्या है कैटल है तो कैटल एक चीज हो गई थिंग हो गई और कहा है प्लेस क्या हो गई किचन तो कैटल एंड किचन इज अ नेमिंग वर्ड द बॉय इज होल्डिंग एन अम्ब्रेला बॉय कौन है लड़का पीपल है तो नेमिंग वर्ड और क्या पकड़ा हुआ है अम्बरेला तो अम्ब्रेला कोई चीज उसने पकड़ी है क्या अम्बरेला तो अम्बरेला भी क्या हो गया नेमिंग वर्ड ओके नाउ क्वेश्चन नंबर जी टिक राइट द करेक्ट वर्ड्स हमें क्या करना है फर्स्ट अ क्वेश्चन इज गिवन टू अस हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है उसमें तीन ऑप्शन है हमें जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है फर्स्ट वी हैव टू रीड द सेंटेंस हम पहले सेंटेंस को रीड करेंगे और फिर जो करेक्ट आंसर है उसे फिल करेंगे वी स्लीप इन द डैश हम कहा सोते हैं किचन नो बाथरूम नो सो द करेक्ट आंसर इज बेडरूम हम कहा सोते हैं बेडरूम में सोते हैं द डैश लिवस ऑन अ ट्री कौन पेड़ पर रहता है मंकी टाइगर या फिश तो हमने करेक्ट आंसर इज मंकी क्वेश्चन नंबर थ्री वी यूज अ डैश टू प्ले क्रिकेट हम क्रिकेट खेलने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं नेट बैट पेंसिल तो हम क्रिकेट खेलने के लिए बैट का इस्तेमाल करते हैं सो द करेक्ट आंसर इज बी बैट नंबर फोर अ डॉक्टर वर्क इन अ डैश डॉक्टर कहाँ काम करते हैं हॉस्पिटल जू बैंक सो द करेक्ट आंसर इज हॉस्पिटल डॉक्टर कहा वर्क करते हैं हॉस्पिटल में नंबर फिफ्थ वी फाइंड एरोप्लेन एट द डैश हमें एरोप्लेन कहाँ देखने मिलते हैं लाइब्रेरी पार्क एयरपोर्ट सो द करेक्ट आंसर इज एयरपोर्ट हमें एरोप्लेन्स एयरपोर्ट पे देखने मिलते हैं क्वेश्चन एच राइट दिस नेमिंग वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम हमें क्या करना है क्वेश्चन एच में जो ब्रैकेट दिया हुआ है उसमें कई सारे वर्ड्स है ना हमें उन्हें रीड करना है और जो करेक्ट वर्ड है करेक्ट बॉक्स में उनके फिल करना है फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट वर्ड पर्सन है तो हमें उसको पर्सन के बॉक्स में लिखना है अगर प्लेस है तो प्लेस के बॉक्स में लिखना है एनिमल है तो एनिमल में लिखना है फ्रूट या वेजिटेबल है तो फ्रूट और वेजिटेबल के कॉलम में लिखना है और अगर थिंग है तो थिंग के कॉलम में लिखना है तो फर्स्ट वी हैव रीड द वर्ड्स फर्स्ट वर्ड क्या है गिवन कैरेट कैरेट क्या है वेजिटेबल और फ्रूट तो हमने लिखा वेजिटेबल है तो वी राइट इट ऑन द कॉलम ऑफ वेजिटेबल ओके नंबर टू कैमल कैमल इज अ एनिमल एन एनिमल सो वी राइट इन इन द कॉलम ऑफ एनिमल नंबर थ्री पार्क पार्क इज अ प्लेस ओके तो वी राइट इन इन द कॉलम ऑफ प्लेस सेलर सेलर इज एन पर्सन जो जहाज चलाते हैं या शिप चलाते उसे हम बोलते हैं सेलर ठीक है तो सेलर इज अ पर्सन वी राइट इन अ कॉलम ऑफ पर्सन बेयर बेयर इज एन एनिमल तो राइट इन अ कॉलम ऑफ एनिमल सो यू हैव टू डू इट यूर सेल्फ और वी ऑल्सो आई ऑल्सो सेंड यू द पीडीएफ़ फॉर डूइंग यूर वर्क ओके होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर हियर इज द एंड ऑफ द चैप्टर वॉच इट अगेन And if you have any doubt regarding this video and any queries and questions, you can comment me below the comment section or you can text me. Okay, thanks for watching. Thank you.